जीटी नामग्याल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा, इस बार आप लद्दाख गए 3 दिन, आपने पेंगोंग झील भी देखा, साबू में किया, आपने पूरे पंचायत के मेंबर्स, हमारे दोनों ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स के साथ आपने इंटरेक्शन किया, और आप ले काउंसिल के सेक्रेटरीट में भी आपने स्वयं विजिट किया। उस वक्त एक मांग जो है उभार के वहां आया सर, लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटोरी बनने के बाद एक अलग किस्म का, एक देश में एक यूनिक यूनियन टेरिटोरी जो है इस सरकार ने लद्दाख को बनाया, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटोरी में 2 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, पहले जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते थे, वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। मेरे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, नया यूटी बनने के बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट जो 1997 में बना उसको अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, उसमें डिफाइन करने की आवश्यकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का या लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का या एमएचए का उसमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, और ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत दोनों के साथ साथ काउंसिल का क्या कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन एलएचडीसी एक्ट को अमेंड करके लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जमीन को लेके, इंप्लॉयमेंट को लेके, कल्चरल आइडेंटिटी को लेके, ऑन द लाइन ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट के 6th शेड्यूल के अंदर जो काउंसिल्स आते हैं, 5th शेड्यूल के अंदर काउंसिल आता है, लद्दाख वाले काउंसिल 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल दोनों के अंदर नहीं आते हैं, तो उनका क्या प्रावधान है, ऐसे अच्छे अच्छे चीजें जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए से लद्दाख को देने की आवश्यकता है, ये मैं आपके माध्यम से सरकार पे मांग करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।